लैम्बोर्गिनी हुराकन टेक्निका मैंने लिया है इसके अंदर, और ये तो कुछ भी नहीं है भाई, लेने तो मैं कुछ पैसे पैकमैन आया था, खर्चा करने आया था $300 का। तो ये वाली फाउंटेन वाली, ये फाउंटेन पहले ऑरेंज था और अब ये स्पलक पेंट कर दिया। उसको बंदी बंदी मिल गई, वो तो कह रहा अमन भाई आप अपने आप चले जाना, मैं तो जा रहा हूँ। और ये यहाँ की स्काईलाइन है, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। सब्सक्राइब टू YPM Vlogs and click the bell icon। हाँ जी भैया, क्या होंगे आपका? और अरे ये रहा पावर बैंक ढूंढ रहा था। अच्छा, थैंक यू भाई। चलो सर, वेल सो व्हाट इज अप गाइस, YPM Vlogs बैक हियर। तो भाई एक नया डे सिंगापुर के अंदर। और भाई अभी तक सिंगापुर कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो अच्छा लगता है भाई, पहले भी तो आए ही है, दो तीन बार कह रहे थे, पहले भी आया हुआ हूं यहां पे मैं तो। आपको भी बार बार यहां पे आने का क्या क्रेज है, सच बताना भाई? एक तो ज्यादा शोर नहीं है यहां पे, और सिटी अच्छी है, हाईटेक सिटी है बहुत ज्यादा, ये चीजें तो मैंने देख ली। और मेरे को चाहिए शो वाली जगह जहाँ पे शोर हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो। तो सच बता रहा हूँ भाई, मेरे को सिंगापुर बहुत एक्सपेंसिव लगा। अच्छा, हमारा ये प्लान है कि अभी हम जा रहे हैं लेने के लिए सिम कार्ड, और अभी मेरे पास ना थोड़ी मेडिसिन की किट्स थी, और उसके बाद वो किट देखने के बाद भैया का क्या रिएक्शन था? ये चलता फिरता हॉस्पिटल है, इसको हर चीज की दवाई चाहिए। वेल सो वेल गाइस, अभी हम व्लॉग्स बैक हियर। मेरे पास यहाँ मेडिसिन पड़ी हैं, और भाई ने मेरा मजाक बना दिया, कह रही चलता फिरता हॉस्पिटल है, दो दवाइयों की कमी थी, वो भी खरीद ली इसने, कफ सिरप और साथ में नेचर ड्रॉप्स। चलता फिरता हॉस्पिटल है, सारी चीजें अपने साथ कैरी करता हूँ, दवाइयाँ तो ऐसी ऐसी है मैंने नाम ही नहीं सुने कभी। तो अच्छी अच्छी बात नहीं है, कोई वो जुगाड़ो वाली दवाई नहीं है भाई, प्रॉपर अच्छी अच्छी खासी। इतना बीमार थोड़ी पड़ता है ट्रिप पे आके। होटल से बाहर आती है ना, उनको ये ऑरेंज जूस की मशीन मिली है, और इसकी मैंने अभी रील बनाई है, क्या काम करती है, एक नंबर का। ये पूरे फ्रेश ऑरेंजेस का जूस बनाती है, जो कि ये अभी पी रहे हैं। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, मीठा भी होगा, मीठा भी है, विदाउट शुगर है, विदाउट शुगर, वो भी एक नंबर का ऑरेंज होगा यहाँ का। यहाँ पे ना सिंगापुर में यू कैन ड्रिंक ऐसे पब्लिकली, बट यहाँ पे कुछ टाइमिंग्स हैं इसके पीने के लिए। ये वाला सिम कार्ड में परचेज कर रहा हूँ, 100 GB का मिल रहा है इसके अंदर, $10 में, यानी कि 700 रुपए में 100 GB, बहुत बढ़िया है ना। यहाँ पे तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मोस्टली जो चीजें हैं ना, आपको यहाँ पे सारी कॉपी मिलती हैं इस मार्केट में, जो कि है लिटिल इंडिया। फोन के कवर से लेके पावर बैंक देखो, ये वॉचेस देखो, वो भी सस्ती सस्ती सी है, हो चुकी कितने की होगी, 500 रुपए की है, जो सेम इंडिया में मिलती है ना 2-3 हज़ार रुपए की। इलेक्ट्रॉनिक में तो बहुत कुछ है यहाँ पे, घड़ियाँ ही, अडेप्टर्स हैं देखो, लाइटनिंग केबल्स हैं, ये जैसा नाम जगह वैसे यहाँ पे हर एक गाने चल रहे हैं, यहाँ आके पूरी फुल इंडियन वाइब्स आ रही है, फुल इंडियन वाइब्स। जन्नत वाला ट्रक आ गया, मन भी आ गया, तो हाइनिकन, टाइगर, सिंघा, ओए होए, ए खुशी देखो चेहरे पे बंदे के, ओए होए। कैब हमने बुक कर दी है, और अपेरेंटली कैब हमको देने हैं 4 किलोमीटर के $8, यानी कि 500 रुपये। ये ठीक है यार, मतलब कल से तो बहुत एक सस्ता ही है, कल तो हमने बहुत पैसे कमाए हैं टैक्सी, तो कम से कम 5-6 हज़ार रुपये तो हमने कल टैक्सी एक दे दिए, और फिर 30 किलोमीटर के हमने 5 हज़ार रुपये दिए हैं कल टोटल सब मिला मुलू। बट गाड़ियाँ यहाँ पे अच्छी आती हैं, ऐसे देखो यहाँ पे ये होंडा शटल है, और यहाँ पे लेग स्पेस बहुत अच्छा है देखो इसके अंदर। हेयर वी आर एट सिंगापुर फ्लायर, और ये मेरे ऊपर है, इसके अंदर पॉड्स होते हैं, इसके अंदर आप बैठ जाते हो और पूरा ये फिर घूमता रहता है, 1 घंटे का आपको पूरा टूर होता है। जो इसकी कॉस्ट टिकट की वो है $40, यानी कि कुछ 3 हज़ार रुपये की इसकी टिकट है, लेकिन मेरे को लगता है कि व्यू जो होगा वो टोटल वर्थ इट होगा। ये है F1 ट्रैक, और यहाँ पे रेस होने वाली है अगले हफ्ते, ये पूरी की पूरी यहाँ पे F1 भागेंगी, और इतनी सारी सीट है ना, सारी की सारी बुक्ड है। और अभी हमको जाना है वहाँ पे मरीना बे सैंड्स, ये सबसे अच्छा होटल है पूरे सिंगापुर का। यहाँ पे देखो ऐसे F1 चलती है, बहुत मजा आता अगर हम आते हैं ना। और ये इसके बिल्कुल ऊपर सिंगापुर फ्लायर, दे देना देन मूवी की टंकी थी ना, वो रही बम फटा था, और फिर पूरा मॉल जो था, और सॉरी पूरा जो होटल था वो पानी पानी हो गया था। और ये यहाँ की स्काईलाइन है, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, मरीना बे सैंड्स, हमको जाना है उसके अंदर। मुझे यहाँ पे एक जगह खड़ा होता हूँ ना फोटो खिंचवाने के लिए, अमन भाई बोलते हैं जल्दी निकल यहाँ से, तुमको पता कि 15-20 फोटो यहाँ पे खींचेगा, आधा घंटा यहाँ पे लगा देगा, फिर बोलेगा अब वहाँ चलना है, जल्दी जल्दी फोटो खिंचवाएंगे, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे चल भाई चल चल। बट ट्रस्ट मी यार, ये बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है मेरे को, वो देखो बीच में बोट चल रही है, बोटिंग यहाँ पे होती है वैसे? हो रही है, और क्या हो रही है, आई थिंक ये लोगों के लिए नहीं है ना, फेरी भी है, चलती है। फेरी यहाँ पे कहाँ चलेगी लेकिन अंदर? टूरिस्ट के लिए आ रहा कुछ ये? ओके, इस वाले मॉल में हम आए हैं, और ये बिल्कुल मरीना बे सैंड्स के सामने है। स्टारबक्स रिजर्व मिल गया भाई, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ पे सब कुछ अभी नॉन वेज है, अंडा भी नहीं खा सकते आज क्योंकि ट्यूसडे है, नहीं तो कुछ ना कुछ जरूर खाता यार, कितना कुछ है यहाँ पे। ट्रिपल चीज़ मशरूम पाई अमन भैया ने यहाँ पे लिया, इनकी जो ड्रिंक है सिग्नेचर वो वाली,
ये एक प्रॉपर इटालियन रेस्टोरेंट है जहाँ के अंदर गिलाटोज मिलते हैं और यहाँ पे जो पूरा फूड है ना वो आपके हिसाब से कस्टमाइज होकर मिलता है। जैसे आपको पास्ता चाहिए, पिज्जा चाहिए, यू कैन कस्टमाइज ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। और यहाँ पे गोभी ले लो, एग प्लांट ले लो, आपको जो डलवाना है यू कैन गेट दैट, एंड कुछ ऐसा पिज्जा बनकर के आपको मिलता है। जब भी मैं कोई बाहर आता हूँ ना कंट्री में, मेरा होता है कि मेरे को बनाना है कॉन्टेंट भर भर के, मतलब अच्छा सा बनाना है कॉन्टेंट। लेकिन यहाँ पे इतना कॉन्टेंट मेरे को मिल नहीं रहा भाई अपेरेंटली। अभी हम एलवी के स्टोर पर आए हैं, जरा यहाँ पे देखते हैं क्या सीन है। भाई एलवी की शॉप नहीं है, एलवी का पूरा एक आइलैंड है। ये एस्केलेटर है जाने की एलवी के आइलैंड पे, इतनी बड़ी, इन्होंने कितना खर्चा करा होगा सोचो एक बनाने में पूरा अपना आइलैंड। अंदर आती फर्स्ट इंप्रेशंस देखो, ये लाइट वाला बैग है यहाँ पे आरजीबी वाला, भाई 5-6 लाख के नीचे तो नहीं होगा ये अगर एलवी आ गया लिखा हुआ। यहाँ पर्सेज हैं, हमको एक्चुअली देखने हैं स्नीकर्स, तो मैं स्नीकर्स देखने के लिए आया था, ये वाले ब्लू कलर वाले, आई लाइक दीज अ लॉट। भाई जितना कुछ हमको यहाँ पे दिख रहा है ना, कुछ भी ये लाख रुपए से कम का नहीं है, लाख रुपए से नीचे तो ये बात ही नहीं करते। LV मतलब मिनिमम 1 लाख। ये वाले सेम चश्मे मेरे पास में है, लेकिन दूसरा वाला कलर है, लिमिटेड एडिशन वाला, और यहाँ पे ब्लू वाले भी हैं। और स्टोर के बाहर आते ही ये इनका देखो ऐसा कुछ आइलैंड है, मैं और जाता हूँ नीचे, फिर आप देखना कितना अच्छा है ये। अब देखो अभी ना हम आ गए हैं यहाँ पे एक और मॉल में, सनटेक मॉल के अंदर, और यहाँ पे जो टैक्सी है उसने हमसे 1 किलोमीटर के 640 रुपये लिए हैं, यानी कि $9.3 भी उसने लिए हैं। भाई अल्टीमेट एक्सपीरियंस आ रहा है यहाँ पे टैक्सी में पैसे खर्च करके, शॉपिंग कुछ करी है, टैक्सी में पैसा खर्च कर रहे हैं मेरे अभी तक। मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ एक गोल्फ का स्टोर, यहाँ पे देखो सारे गोल्फ क्लब्स होते हैं। मैंने सुना ये बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट होता है गोल्फ ना। हम सुपर ड्राई जा रहे हैं और यहाँ पे जो मोस्टली क्लोथ्स होंगे ना वो मेड इन इंडिया और मेड इन पाकिस्तान होंगे। और यहाँ पे जो स्टोर है ना नाइकी का, कहीं पर भी चला जाओ भाई उसमें माल ही नहीं है मेड इन इंडिया। भाई ये लो भाई क्या बात है, इंडिया से यहाँ पे ला करके सेल कर रहे हैं। लोग सोचते हैं यहाँ पे आकर के शॉपिंग करेंगे सस्ता पड़ेगा, हाँ वो तो ऑब्वियसली होगी ना भाई इम्पोर्ट। डब्बा क्या कह रहे हो, डब्बा इसका अच्छा है सच में, कब से कह रहे हो आप? अच्छा पूरा बोनट बना हुआ है, टेलाइट्स देखो पीछे, एग्जॉस्ट भी है भाई। ये अच्छा लग रहा है बहुत यार, ये इनका अभी आया नया, ये अलग है, ये रही ना, ये तो रही अवेलेबल। अरे हाँ ये तो है, उठाओ भाई उठाओ उठाओ उठाओ। तैयारी तो शुरू हो चुकी है सिंगापुर से हुराकन लेने की, पूरी दिखाना मैं क्या लिया एक बार। ये भाई हमने खरीदा अभी लैम्बोर्गिनी हुराकन टेक्निका, ये तो बहुत क्रेजी लग रहा है मेरे को भाई, कितना टाइम लगा हुआ बनाने में इसको। लेगो ना जितने मैं लेता हूँ भाई बनाते हैं, भाई बोलते हैं कि तू लेता रहा मैं बनाता रहूँगा कोई दिक्कत नहीं आराम से। भाई मेरे दोस्त ने भी ली थी 1000 RR BMW, उसने बड़ी मुश्किल से बनाई हो भाई। चीज़ तो है ये एक नंबर की, लेकिन छोटा है ये बात मैंने मान ली। ये तो 1 फुट का है कम से कम, इतने पैसे ले रहे हो तो महंगा तो है, हाँ लेकिन इतना बड़ा है तो फिर टाइटैनिक ले लो, तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अभी ना भाई लेगो स्टोर में आया था, बहुत कंफ्यूज था कि भाई पैकमैन लूँ क्या लूँ, पे उस पैकमैन देख के ना मैं डिसअपॉइंट हो गया बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ पे ना ये पूरा काल है, मैंने हुराकान देखी, फिर मैंने बुगाटी देखी और सियान देखी। सबसे ज्यादा वायरल वाली कंटेंट है क्या है मोमेंट दिया, बुगाटी या बुगाटी और सियान दोनों है सबसे ज्यादा वायरल। बुगाटी और बुगाटी में 3600 पीसेस हैं ऑलमोस्ट, उससे कम है थोड़े से एक दो, और सियान में बनानी हो या अमन भाई बनाएंगे, सियान में 3696 पीसेस हैं। मैंने मम्मा को कॉल करा और मेरा मम्मा ने पता क्या बोला कि हम ले रहे हैं भाई, फाइनली ले लिया है मैंने, ये भी ले ली, ये भी अच्छी लगी मेरे को हुराकान टेक्निक बुगाटी भी। आपको कैसे पता लगा ये मम्मा का कॉल करते ही ले रहा है, क्योंकि आपको मैंने मना किया था तो चीज़ के लिए जो मन करे ले लेना चाहिए। हुराकान टेक्निका मैंने लिया है इसके अंदर, और ये तो कुछ भी नहीं है भाई लेने, तो मैं पैसे पैकमैन आया था, खर्चा करने आया था $300 का, लेकिन लेके क्या जा रहा हूँ ऐसे भाई बुगाटी शेरोन, इतनी भारी है कि मैं इसे उठाए भी नहीं जा रहा भाई, इतना बड़ा पैकेट है ये। तो लेगो स्टोर से शॉपिंग कब से करनी थी, और सारा तो क्रेडिट है ना ये अमन भाई को जाता है, मेरे को इन्होंने भूत सवार कर दिया लेगो का यार। यहाँ पे ना सिमुलेटर है देखो रेबैन की, इसके अंदर भाई देखो पूरा ही गेम खेल रहे हैं ऐसे, अभी मैं भी खेलने वाला हूँ भाई इसके बाद, ये देखो तो बहुत अच्छी लग रही है दिखने में यार, ये ऐसी चलती है भाई और कैसे चलती है, छोड़ के जा रहे थे भाई ये। नॉट फॉर हिम, मेरा काम था ना, मेरा जाता था। अच्छा क्या भाई मिलता है देखते हैं लकी ड्रॉ के अंदर, खोल ना भाई लकी ड्रॉ में क्या मिला, फरारी लैंड यार्ड, फरारी का फ्री लैंड यार्ड मिल गया भाई। क्रिश वाली सीन याद है आपको, ये वाली फाउंटेन वाली, ये फाउंटेन पहले ऑरेंज था और अब ये इसको अलग पेंट कर दिया, वो देखो वो ऐसे आ रहा है हेलीकॉप्टर। हेलो और अंकल कैसे हो, बहुत बढ़िया। अरे यदु तो चला गया मेरे से रूट के, नहीं ऐसा हो नहीं सकता,
उसको बंदी बंदी मिल गई, वो तो कह रहा अमन भाई आप अपने आप चले जाना, मैं तो जा रहा हूँ, वो तो अलग रह रहा है मेरे से। नाइट लाइफ के लिए ना सिंगापुर में सिर्फ एक ही जगह है, क्लार्क कुए और बोट कुए। तो यहाँ पे आपको ड्रिंक्स वगैरह पूरी याद मिलती हैं, ये तो हर जगह सिंगापुर में होता है बंद। जो ड्रिंक्स हैं यहाँ पे वो एक्सपेंसिव मिलती हैं आपको, जो एक बियर की कॉफी लगभग वो मिलती है $14 के आसपास, यानी कि अगर आप सेम चीज़ लोगों से अवेलेबल तक वो पड़ेगी $5-6 की। तो यहाँ पे आप कुछ तरह से $10 चीज़ की फालतू लेते हैं, लेकिन भाई अच्छी वाइब देखो बहुत अच्छी लगती है मेरे को। समोसे खाने का मज़ा अलग ही है इंडिया के बाहर आकर के, और साथ में यहाँ पे एक नंबर का व्यू। अभी हमने यहाँ पे कैब बुक करी है और भाई इसके अंदर लगा हुआ है एग्जॉस्ट और इसमें पूरी मॉडिफाइड है यार ये, इसकी देखो लाइट्स कितनी अच्छी लग रही हैं, पूरी इसकी फुल आई मीन लाइटिंग हो रखी है गाड़ी के अंदर। हमको फाइनली एक मिला रेस्टोरेंट जो खुला हुआ है 3 बजे तक रात के, और अभी देखो ये खा रहे हैं यहाँ पे चॉकलेट। ये देखो चॉकलेट भी सिंगापुर के खा रहे हैं, मल्लाहारी पार्क के। खा नहीं रहे हैं, खा रहे हो आप। देखो तो यार उन्होंने टेबल पे मेन्यू छाप रखा है अपना पूरा, कि बंदा मेन्यू मांगे ही ना, बैठते पहले मेन्यू देखे हमारा। डिनर के बाद ना भाई अब आ चुके हैं वहाँ पे सिंगापुर की गलियों के अंदर, और ये भाई देखो पूरा सुनसान हो गया यार पूरा का पूरा, और ये रहा मेरा होटल। अब खाना खा के आ चुके हैं वापस अपने होटल, और अपने खत्म करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे। आप लोगों ने पूरा आज का ब्लॉग देखा, मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है और मैंने लेगो खरीदे आज, तो चलो बाय बाय एंड स्टे सेफ। पूरा भाई वॉक करिए, पसीने पसीने हो गए देखो मैं आज।